राजेंद्रनगर में हुए हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों ने अपने साथियों की मौत पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार को कड़ा एक्शन लेना ही होगा। जब ये हादसा सामने आया तो जो चश्मदीद थे उन्होंने भी बात यहाँ पर बताई। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हर बारिश के मौसम में यहाँ पर व्यवस्था ड्रेनेज की इतनी ख़राब होती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भर जाता है, और परसों भी यही हुआ। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा पानी था और पानी एकाएक जो कोचिंग सेंटर है उसके भीतर भर गया, और जिसके बाद ये हादसा सामने आया। यहाँ पर और स्टूडेंट्स हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कल से ये धरना चल रहा है, हादसे के बाद से दरअसल ये धरना चल रहा है। इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ अमूमन हालात कैसे रहते हैं, किस तरह से यहाँ पर पानी भरा और ये हादसा सामने आया? देखिए, ये चीज़ें तो हम लोग को भी क्लियर नहीं हो पाई है। एकदम से बारिश हुई, ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, मुश्किल से 25-30 मिनट की बारिश हुई होगी, और पानी इतनी भर गई कि लोग नीचे जो लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, पानी अंदर गई इतनी फोर्सफुल्ली कि वो बच्चे बाहर निकल नहीं पाए। बायोमेट्रिक्स लगे हुए थे लाइब्रेरी के गेट पे, तो बच्चे निकल नहीं पाए। उसी में कुछ लोगों की कैजुअल्टी हुई, और वो कैजुअल्टी कितने लोगों की हुई वो क्लियर नहीं हो पाई अभी तक। उन्होंने 3 लोगों की दिखाई है, बट जो यहाँ लोग प्रेजेंट थे उस वक्त वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैजुअल्टीज ज़्यादा है। तो हम लोग की डिमांड सबसे पहली यही है कि जो नंबर ऑफ कैजुअल्टीज है उसको आप शो कीजिए, ठीक है, वो दिखाइए आप हमें। देखिए पंकज, छात्रों की डिमांड ये भी है कि ये आरोप है कि कैजुअल्टीज जो है वो ज़्यादा हुई है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? और जो आप मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि मांगों को माना जाएगा? मुआवजे की खासतौर से जो मांग है उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। सर ऑब्वियसली मुआवजे की बात जो है वो मुआवजा तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहां बात है फिक्स कैजुअल्टी की, कैजुअल्टी तो अभी भी रिलीज नहीं की गई है। दूसरा सीसीटीवी सिस्टम भी कोचिंग में लगा हुआ है, लाइब्रेरी में भी सीसीटीवी सिस्टम है, उसमें भी तो रिकॉर्डिंग होगी। ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी खराब हो गए थे, रिकॉर्ड तो हो गया होगा, ऊपर डाटा तो मेंटेन होगा, वो डाटा को रिलीज कर दीजिए आप, हम एश्योर हो जाएंगे। उसके अलावा भी यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अलावा भी यहाँ के वायरिंग सिस्टम है, सीसीटीवी सिस्टम, यहाँ के इस एरिया का कोई भी प्रॉपर वे में कोई चलता नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है। उसके अलावा जब ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ पे पॉलिटिशियन जो भी है, यहाँ के MCDs, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि यहाँ से दूर वाले एरिया में प्रोटेस्ट की जगह पे आके खड़े जाए, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम कर दिया जाए, दूसरी पहली को कर दिया जाए और बोल दे कि हाँ हमने स्टूडेंट को अटेंड कर लिया। ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए, किसी के यहाँ पे लीडरशिप भी नहीं। वी वांट जस्ट जस्टिस, दैट्स आवर फंडामेंटल। और सीधे तौर पर जो ये एस्पिरेंट्स है ये कह रहे हैं कि कोई राजनीति इस मामले पर नहीं चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एमसीडी ने कई कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की है। एमसीडी ने 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील कर दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। इन संस्थानों के गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। जिन कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई उनके नाम IAS गुरुकुल, चहल अकेडमी, प्लूटस अकेडमी, साई ट्रेडिंग, IAS सेतु, टॉपर्स अकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली IAS, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS और इजी फॉर IAS शामिल है। तो ये कुछ कोचिंग संस्थान है जिसे सील किया गया है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं, और एक बार फिर से छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय सवालों के घेरे में आ गया है। ये सवाल इस बार हो रही स्नातक परीक्षा को लेकर उठ रहे हैं, जिसमें भारी अव्यवस्था देखने को मिली। परीक्षा के दौरान परसा कॉलेज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें परीक्षार्थी राउंड टेबल पर शादी विवाह के भोज की तरह परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्नातक फर्स्ट पार्ट सेशन 2023-27 की परीक्षा हो रही है। शनिवार को यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की परीक्षा थी। परीक्षा केंद्र की क्षमता 600 थी, लेकिन इससे अधिक संख्या में परीक्षार्थी आ गए थे, जिस पर सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हद तो तब हो गई जब यूनिवर्सिटी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें कदाचार दिखाई तक नहीं पड़ा, और उन्होंने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रिंसिपल को बधाई तक दे दी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिख रहा है। कोर्स में ये होता है कि इसमें साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स के भी होंगे, तो बच्चे का संख्या इसमें ज़्यादा हो गया, क्योंकि इच्छा अनुसार उन्होंने अपना सब्जेक्ट का चयन किया है।
और कैपेसिटी कम होने के बाद भी इतना स्ट्रेंथ हो गया है, उसके बाद भी प्राचार्य महोदय ने व्यवस्थित रूप से एग्जाम अपना संचालन किया है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है यहाँ और सभी बच्चे लगभग शांतिपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं। इसमें प्राचार्य का देन है और उसने बहुत अच्छा से डिसिप्लिन में अपना काम किए हैं। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। अपहरण के आरोपी की मौत हो गई है। फुलवारी शरीफ थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। केस के आईओ, केस के एसआई और 3 सिपाही निलंबित किए गए हैं। मानवाधिकार आयोग में पूरा मामला चल रहा है और इस पूरे मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में अपहरण के आरोपी की मौत की खबर मिल रही है और इस खबर पर एक्शन भी लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। केस के आईओ को भी निलंबित कर दिया गया है और अगली सुनवाई 5 अगस्त को होने वाली है। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने आरपीएफ की टीम ने 2 ट्रेन में छापेमारी की और दोनों ही ट्रेन से 11 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। सियालदा अजमेर एक्सप्रेस और गया चेन्नई एक्सप्रेस में ये छापेमारी की गई। दोनों ट्रेन से 4 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर गया के रहने वाले हैं। चारों तस्कर को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी बच्चों को बचपन बचाओ टीम को सौंप दिया गया है, जिन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। गाड़ी संख्या 12987 सियालदा अजमेर एक्सप्रेस और 12389 गया चेन्नई अजमेर एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनों में चेकिंग किया गया तो कुल 11 बच्चे नाबालिग बच्चे मिले और 4 बाल तस्कर मिले हैं, जो 11 बच्चों को मजदूरी करने के लिए लेके जा रहे थे। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में निजी कोचिंग संचालक से कुछ बदमाशों ने रंगदारी मांगी। रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने तोड़फोड़ और गोलीबारी की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम अब कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग संचालक के मुताबिक काफी पहले से रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिसके चलते सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। शनिवार को करीब 12 आरोपियों ने तोड़फोड़ और गोलीबारी की है, जिसके बाद दरवाजा बंद कर लोगों ने अपनी जान बचाई। पुलिस पर आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। उसके बाद मतलब जो हम लोगों ने जब मना कर दिया तो उसने मतलब जो कल आके कुछ मतलब 8-10 मतलब दर्जन के हिसाब से मतलब कुछ बदमाश थे और जिन्होंने हम लोगों के ऊपर मतलब अचानक से गोलीबारी का मतलब क्या फायरिंग किया, जिसके कारण जो है गोली जो है हमारे मतलब गेट मेन गेट पे आके लगा, हम लोगों ने गेट लगा लिया जिस कारण से हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट वो गोली लग सकती। क्या मांग करते हैं? और हम यही मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैंने हम लोगों ने आवेदन कल रात में दिया था, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई। वैशाली में पहली बार जानवरों के भी दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम बनाने की तैयारी की जा रही है। हाजीपुर के कौनहारा घाट पर यहां विद्युत शवदाह गृह बनने जा रहा है। वैशाली नगर परिषद क्षेत्र के साथ ही शहर के आवारा और पालतू पशुओं का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल पशुओं की मौत के बाद उनके शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे गंदगी और बीमारी फैलती है। पशुओं की मौत के बाद गाड़ी भेजकर डेड बॉडी को मुक्ति धाम तक लाया जाएगा, जहां शुल्क लेने के बाद उनका दाह संस्कार किया जाएगा। शादी पुर क्षेत्र में अभी क्या होता है कि लोग जानवरों की जो मृत्यु होती है, लोग जहाँ तहाँ जानवरों को छोड़ के चले जाते हैं, फेंक देते हैं नदी किनारे आसपास। तो हम लोग नगर परिषद हाजीपुर में हम लोग योजना बना रहे हैं कि कोनारा घाट पर ही हम लोग जानवरों को जलाने के लिए भी सौदागरी बनाए, ताकि उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा हो सके। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। खुशी की बात यह है कि पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 70 पहुंच गई है। बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और देखिए, खास बात है कि बिहार में इसका असर दिख रहा है। एक साल पहले तक 2023 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 थी, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और आपको बता दें कि दुनिया के 13 देश में बाघ पाए जाते हैं, इनमें से लगभग 70% बाघ सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। लिहाजा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट विशेष तौर पर बाघों को खूब पसंद आ रहा है और यही कारण है कि धीरे धीरे बाघों का कुनबा इस अभयारण्य में तेजी से बढ़ा है।